बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजिग्नेशन व्हिच वाज हैपेंड इन द ईयर 1939। एज वेल एज वी आल्सो डिस्कस द डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, सो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने एक नुमाया कामयाबी हासिल की और उन्होंने 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस पर अपनी मिनिस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर दी, तो ईयर 1939 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजिग्नेशन दे दी। ठीक है, इसके अलावा हम डे ऑफ डिलीवरेंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। होता क्या है कि ऑन 3 सितंबर 1939 में इंडियन पॉलिटिक्स में एक न्यू चैप्टर शुरू होता है जब ब्रिटिश जो है वो वॉर डिक्लेयर करता है अगेंस्ट दी जर्मनी। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड विच वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 1939 मींस के वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में डिटेल के साथ मेरी वीडियोस मौजूद है, अगर किसी ने उसको नहीं देखे तो पहले जाकर उसको देखे ताकि आपको इस लेक्चर की समझ आ जाए। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। जब ब्रिटिश जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर करता है तो इंडिया में क्या होता है कि उस टाइम इंडिया में जो वॉइस रॉय होते हैं वो लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं। ठीक है, वो प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं कि हम वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं अगेंस्ट दी जर्मनी। ठीक है, मींस के वो अनाउंस करते हैं कि हमने वॉर डिक्लेयर कर दी है बट विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ दी प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज जो कि थी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। ठीक है, मींस के प्रोविंशियल मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन मशवरा किए बगैर उन्होंने कैसे जर्मनी पर वॉर को डिक्लेयर कर दिया, या ये भी कह सकते कि किस तरह बगैर पूछे बगैर मशवरा किए उन्होंने इंडिया को वॉर में धकेल दिया। ठीक है, सो जो वायसराय होते हैं इंडिया के लॉर्ड लिनलिथगो वो मिस्टर जिना और गांधी के साथ मुलाकात करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि वो जॉइंट कोऑपरेशन करें ताकि हमें वॉर में सक्सेस हासिल हो जाए। मींस वो इंडियन पीपल से फेवर मांगते हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि द वॉइसराय आल्सो अनाउंस्ड दैट द फेडरल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विल बी पोस्टपोन्ड। साथ में ये भी ऐलान करते हैं, एक बहुत बड़ा ऐलान था कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम इंडिया के लिए बना हुआ था एक्ट ऑफ 1935, वो जब तक वॉर एंड नहीं होगा तो उसका जो फेडरल पार्ट है ना वो पोस्टपोन रहेगा। ठीक है, सो इस डिक्लेरेशन के साथ जो इंडियन पीपल होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिसेंटेड हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंडिया को वॉर में धकेल दिया जाए। सो आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द वॉइसराय इसके बाद कांग्रेस जो होता है दे कन्वेंट इट्स मीटिंग टू कंसिडर गवर्नमेंट अपील एंड टू पुट द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर द असिस्टेंस इन द वॉर। ये तीन कंडीशन वो क्या करते हैं गवर्नमेंट के आगे रख देते हैं। तीन डिमांड्स क्या थे, वो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर को एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है, इंडियन पीपल को। सेकेंड कहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये अनाउंस करें कि जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है मींस कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की वो बात कर रहे थे कि वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे इंडिया के लिए। ठीक है, थर्ड वो कहते हैं कि द मेंबर्स ऑफ द वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी दोज ओनली हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल असेंबली। सो अगर देखा जाए तो इन तीनों कंडीशंस की एक्सेप्टेंस ऐसे थी जैसा कि कांग्रेस के हाथों में पावर देना। ठीक है, कौन सी पावर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हवाले से पावर देना। जबकि दूसरी तरफ होता क्या है कि जो मुस्लिम लीग होते हैं उनकी जो वर्किंग कमेटी होती है वो वायसराय के अनाउंसमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, मींस के वो जो अनाउंस करते हैं कि फेडरल पार्ट ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 विल बी पोस्टपोन, तो वो इस हवाले से जो अनाउंसमेंट होती है वायसराय की तो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग अपना डीप सैम्पथी पोलैंड, फ्रांस और यूके के लिए
शो करते हैं। इसके अलावा वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इस सख्त घड़ी में मुसलमानों की जो रियल एंड सॉलिड सपोर्ट एंड कोऑपरेशन है वो तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक के जो मिनिस्ट्री मेजेस्टी गवर्नमेंट है और वॉइसराय है वो मुसलमानों के साथ इंसाफ को ना बरतें। मींस के इस कांग्रेस मिनिस्ट्री या कांग्रेस रूल में जहां पर आज भी मुसलमानों की इज्जत आबरू लिबर्टी और प्रॉपर्टी खतरे में है, तो इनके साथ अगर इंसाफ बरता जाए तो तब मुसलमानों की एक इफेक्टिव सपोर्ट उनको इस वॉर में मिल सकती है। सो जो वॉइसराय होते हैं वो दोनों पार्टीज के स्टेटमेंट्स को सुनते हैं और इसके बाद डिक्लेयर करते हैं कि दैट द ड्यू कंसिडरेशन वुड बी गिवन टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवरी पार्टी एंड दैट द डोमिनियन स्टेटस वुड बी गिवन टू इंडिया बट आफ्टर द वॉर। तो वॉइसराय के इस अनाउंसमेंट से कांग्रेस सेटिस्फाई नहीं होती और जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी होती है वो इसको रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि ये सेम वही ओल्ड इंपीरियलिस्ट पॉलिसी है ब्रिटिश की जो कि शुरू से चलती आ रही है, मींस के उसकी रिपीटिशन हो रही है और ये एक्चुअली इंडिया पर अपनी डोमिनेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं। सो जो ब्रिटिश हाई कमांड होता है वो अपने मिनिस्टर्स को रिजिग्नेशन के लिए कहते हैं इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फाइनली क्या होता है कि 14 नवंबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन दे देते हैं। तो जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन देते हैं तो मुसलमान जो होते हैं वो इस दिन को बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। इवन दो कि 2 दिसंबर 1939 को कायद-ए-आज़म तमाम जो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया होते हैं उनको अपील करते हैं कि हम 22 दिसंबर 1939 जो कि जुमे का दिन था उसको डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर मनाएंगे। और इसके बाद क्या हुआ कि इस दिन पर उन्होंने शुक्राने के नफल तमाम जो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया थे उन्होंने अदा किए थे। एक्चुअली ये जो डे ऑफ डिलीवरेंस था ये मुस्लिम लीग ने ऑर्गेनाइज किया था इन ऑर्डर टू मार्क द रिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो कि उन्होंने 8 प्रोविंसेस पर बनाई हुई थी नवंबर 1939 में। सो इस मिनिस्ट्रीज के ख़त्म होने के बाद तमाम जो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया होते हैं वो एक सुकून का सांस लेने रखते हैं क्योंकि उनके जो पॉलिसीज थी कांग्रेस की वो बहुत ज़्यादा क्रूअल और होस्टाइल थी मुसलमानों के लिए। सो इस मिनिस्ट्रीज के ख़त्म होने से मुसलमानों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डीप सेंस ऑफ रिलीफ देखने को मिलता है। इसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स मुस्लिम लीग जो होता है वो लाहौर में मार्च 1940 में अपने एनुअल सेशन में एक इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन करता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ होम। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एंड डे ऑफ डिलीवरेंस। होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। Thank you for watching my video.